दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय फैक्ट भाई। वैसे आज मैं बात करने वाला हूँ आपके और मेरे चाइल्डहुड गेम्स की। आपको रिंगा रिंगा रोजेस को याद ही होगा, कैसे हम हंसते गाते ऑल फेल डाउन हो जाते थे। कितने नादान थे ना हम तब, सच्ची उतने नादान कि हम गाना तो गलत गाते ही थे पर उस गाने के पीछे की डार्क रियलिटी तक को नहीं जानते थे। रिंगा रिंगा रोजेस पॉकेट्स फुल ऑफ रोजेस आयशा वीशा वी ऑल फेल डाउन की असल लिरिक्स रिंग अराउंड द रोजी अ पॉकेट फुल ऑफ पोजीज एशेज एशेज वी ऑल फॉल डाउन है। जहाँ रोजी किसी महिला का नाम नहीं बल्कि 1165 में जो लंदन ग्रेट प्लेग हुआ था उसमें रोज कलर के जो सिम्टम्स नजर आ रहे थे उसका सिंबल है। रही बात पॉकेट की, तो उस प्लेग में जो मरते थे उनको जमीन में गड्ढा यानी कि पॉकेट करके उसमें फेंक दिया जाता था जिसको फिर जला देते थे। इसीलिए तीसरी लाइन है एशेज एशेज। हाँ हाँ, बाकी रही बात वी ऑल फेल डाउन की, तो उसका मतलब मौत जो लंदन की 15% पॉपुलेशन को प्राप्त हुई थी तब। नाउ आई बेट ये सारी बातें जानने के बाद आप फिर कभी रिंगा रिंगा रोजेस का खेल दोबारा हंसते हंसते कभी नहीं खेल पाएंगे। और बात यहीं खत्म नहीं होती, मेजॉरिटी विंस से शुरू और शाम को सूरज डूब जाने तक आप जितने भी खेल खेलते थे उन सब की रियलिटी भी कुछ ऐसी ही डार्क है। लाइक क्या आपको पता था कि इस गेम की वजह से लोगों को जलाया जाता था? ऐसा क्यों, कहां और किस लिए को जानने के लिए लेट्स बिगिन। नंबर वन रिंग गेम, इचक रिंग बिचक रिंग, रिंग के ऊपर रिंग, इचक रिंग बिचक रिंग, बोलो क्या नहीं समझे कोई ना। अब बताओ कौन सा था वो बचपन का खेल अपना जिसमें थे बटन दो रॉड्स दो और उन रॉड्स में डाली थी रिंग्स 8 या फिर 12। सही का वो थी वाटर हूप रिंग गेम, जिसको पहली दफा किसने बनाया, कहां बनाया और किसने कहां से इंस्पिरेशन लिया। ये राज भी उसी के साथ चला गया सर। अगर कुछ रह गया और फैक्ट भाई को कुछ पता है तो वो बस इतना कि 200 से 400 साल पहले जब साइंस ने तरक्की नहीं की थी तब साइंटिस्ट को आग की रिंग में चला दिया जाता था। वो इसलिए क्योंकि तब साइंस लोगों के लिए नया था, इसीलिए जब भी कोई फिजिक्स या केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स करता तब लोग उसको शैतान और काले जादू के पुजारी समझ लेते और उनसे बचने के लिए उन्हें आग के रिंग में फेंक दिया जाता। पर शुक्र है आज परिस्थिति बदल चुकी है, विज्ञान आगे बढ़ चुका है, वरना रिंग्स को रॉड्स में डाल रहा हर बच्चा आज तक घबराता। नंबर टू पिंकी प्रॉमिस। जब हम छोटे बच्चे थे बड़ी नादानी करते थे, इसके उसके ना जाने किसके किसके वादे किया करते थे, जोड़ते पिंकी फिंगर्स एक दूसरे की और पिंकी स्वेयर लिया करते थे। और ये पिंकी स्वेयर का सिलसिला सन 1600 के पहले से चलता आ रहा है। हालांकि तब लोग खाना बांटने की या दोस्ती नहीं तोड़ूंगा के पिंकी स्वेयर्स के बदले वादा टूटा तो अपनी उंगली तोड़ के तेरे हाथ में रख दूंगा के स्वेयर्स लिया करते थे ना, ये कोई मजाक नहीं है। नंबर थ्री हूप रोलिंग। शाम की गुलाबी धूप, चार दोस्तों का साथ और हम सब भाग रहे हो टायर्स के पीछे लिए लकड़ी अपने हाथों में, हो गई ना यादें ताज़ा। हालांकि इस खेल का कोई ऐसा नाम तो नहीं था पर बिन जाने कोई नाम लोगों ने इस खेल को इतना खेला है कि आधे गांव का रास्ता तो उन्होंने पक्का नाप लिया हुआ है। और यदि आपने इस खेल को नहीं खेला तो फैक्ट भाई आपको इस खेल का परिचय देगा। रूल सिंपल है बॉस, सबसे पहले आपको चाहिए साइकिल का टायर, फिर लकड़ी की लकड़ी और आखिर में भागने के लिए एक खुला रास्ता। लकड़ी से टायर को मारते हुए घुमाते जाओ और भागते जाओ, जिसका टायर आखिर तक रहा वो ही है विजेता। है ना मजेदार, पर एक जमाने में यही मजा सजा हुआ करता था। सरल भाषा में यहाँ जिस साइकिल टायर की बात हुई है वो तब मेटल टायर हुआ करता था और उसको घुमाने के लिए इस्तेमाल होता था मेटल रॉड और ऑब्वियसली दोनों ही वजन में भारी हुआ करते थे। सो किसी ने इस खेल में अपने हाथों की उंगलियां गंवाई हैं तो किसी ने अपने पैरों की। नंबर फोर हाइड एंड सी। मेजोरिटी विंस या जो लास्ट में आया उसकी डाइन से शुरू होता था छुपम छुपाई खेल, फिर गिनती होती 10 तक और रेडी और नॉट रेडी से छुपे हुए पकड़ने का खेल शुरू होता। जितने मिलते उतने सही, पर जो ना मिले वो शायद घर चले गए होंगे करके हम खेल को आगे बढ़ा देते, है कि नहीं। वेल इसी कॉन्सेप्ट की वजह से साल 2018 में पिलाना गाँव में दो बच्चों ने अपनी जान गंवा दी थी। बच्चों की उम्र केवल 4 साल और 6 साल की थी पर छुपने के लिए उन्होंने आयरन बॉक्स चुना जो बाद में खुला ही नहीं और घुटन से उनकी मौत हो गई। ऐसा ही कुछ आइकिया मॉल में होते होते बच गया था जब साल 2019 में 3000 लोगों ने एक साथ आइकिया में हाइड एंड सीक खेलने का प्लान बनाया था एफबी ग्रुप में। तब उस बात की खबर आइकिया को हो गई थी और उन्होंने पुलिस को बुला लिया और उनका हाइड एंड सीक का प्लान कैंसिल करवा दिया क्योंकि उनका कहना था कि लोग कब कहां छुपेंगे, अगर किसी को पता नहीं होगा तो उनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी कौन लेगा, इसीलिए नो छुपा छुपाई। नंबर फाइव
चेस। भैया शर्त लगा लो कि ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ जी के भी पसीने छूट जाएंगे अगर उनको हाथों में इस चेस बोर्ड के बदले इस चेस बोर्ड को थमा दिया जाता। हजारों सालों पहले खेले जाने वाले ये वो चेस गेम है जहां प्यादा प्लास्टिक का नहीं बल्कि ह्यूमंस हुआ करते थे, और जब कोई प्यादा मरता तब प्यादा चेस बोर्ड से नहीं दुनिया से साफ हो जाता। आखिर में जो राजा खेल को जीतता या तो उसको सामने वाले का राज्य मिलता या फिर रानी। लाइक 1454 में वेनिस के मेरोस्टिका शहर में दो राजा एक रानी पे लट्टू हो गए थे। रानी दोनों में से किसी एक को नहीं चुन पा रही थी, इसीलिए तब ह्यूमन चेस का खेल खेला गया और वो खेल 3 दिनों तक चलता रहा। ये लव स्टोरी लैला मजनू और रोमियो जूलियट जितनी ही फेमस हुई वहाँ पे या शायद उससे ज्यादा कि आज भी हर 2 साल में सितंबर के पहले हफ्ते में ह्यूमन चेस खेला जाता है। ना लोग जान तो नहीं गंवाते पर 30 मिनट तक धूप में खड़े रहने से उनके हाल बेहाल जरूर हो जाते हैं। नंबर 6 ब्लाइंड फोल्ड। आंख बंद टपली हो या आंख बंद पट्टी हो दोनों ही खेल में मजा एक समान मिलता है कि नहीं। किसी को प्रपोज करना हो तो आंखों पर पट्टी, बर्थडे पार्टी में आंखों पर पट्टी, दोस्तों को सरप्राइज देना हो तो आंखों पर पट्टी, और किसी को फांसी के फंदे पर चढ़ाना हो तो आंखों पर पट्टी। जो आंखों पर पट्टी हमारे बचपन के खेल से शुरू हुई थी आज वो ना जाने कहां कहां तक पहुंच गई है। अब इस सिक्के की पहले साइड की तो मैंने बात कर ली, अब बात करता हूं दूसरे साइड की। कुछ पर्वर्ट्स अपने मजे के लिए छोटी बच्चियों को गुमराह कर रहे थे। ये कहानी है साल 2016 की, जब एक शख्स ने 11 साल के बच्चों को आंखों पर पट्टी बांध थाने को लिख करके ही पहचानने को कहा था। पहले उसने शुगर दिया, फिर सॉल्ट दिया और फिर अपने पैंट की जिप खोल के अपना प्राइवेट पार्ट दे दिया। जब लड़की ने उसको पहचानने से मना किया तब आदमी ने जबरदस्ती की और उसके सेटिस्फेक्शन तक बच्ची से लिख करवाया। सुन के रूह कांप जाती है। अब जरा सोचो ऐसे केसेस एक नहीं दो नहीं बल्कि 100 आते हैं। जब ब्लाइंड फोर्स से कभी कोई रेप का हिस्सा बनता है तो कभी कोई मर्डर का किस्सा, जहां फैक्ट भाई आपको बस एक सलाह देगा कि कभी किसी पे आंखें बंद करके भरोसा करो उससे पहले सोच लेना। नंबर 7 लंदन ब्रिज। दो लोग लंदन ब्रिज बनाते जिनके बीच से निकलते बच्चे अनेक और अंत में फंसता कोई एक। बस यही था हमारा बचपन का खेल जो हमको खिलखिलाकर हंसा देता। पर एक तरफ जहां इस राइम पे हम हंसते थे वहीं दूसरी तरफ सालों पहले यानी कि जब लंदन ब्रिज बना था तब बच्चे रोते थे। आपके क्यों का जवाब है कि उस ब्रिज के वॉल्स में मासूम बच्चों की बलियां चढ़ाई गई थी। दरअसल तब ओ फेयर लेडी के ऑर्डर्स आए थे कि ब्रिज में बलियां चढ़ाई जाएं, जिसकी वजह से इंजीनियर्स कुछ बच्चों को वॉल दिखाने के बहाने वहां लाते और फिर उसी वॉल में उनको जिंदा दफना देते। वो बच्चे ठीक उसी तरह ट्रैप हुए थे जैसे आज हमारे खेल में हम बच्चे को दो हाथ के बीच ट्रैप कर लेते हैं। फर्क बस इतना है कि वो बच्चे रोते थे इस राइम की वजह से और आज हम हंस रहे हैं। जो अब हंसेंगे या नहीं वो डाउट है इस ट्रॉमेटाइजिंग स्टोरी के बाद। नंबर 8 सोनिक। जब आप बचपन में सोनिक गेम खेलते थे तब क्या आपको भी सोनिक उस गेम का हीरो लगता था? वेल अगर आपका जवाब हाँ है तो माफ करना दोस्त, आप गलत हो। क्योंकि अगर पूरे गेम को समझ जाएं तो 3 बातें सामने आती हैं। पहली, उस गेम में जो पहाड़ों का और सोनिक का रेसिंग ट्रैक है वो नेचुरल नहीं दिखता। मेरा मतलब राउंड रोड्स, रोड्स पर स्प्रिंग, ऐसा सब नेचुरली बनाना इम्पॉसिबल है और उसका एक ही मतलब होता है कि इस पूरे ट्रैक को किसी ने क्रिएट किया है। अब दूसरी बात, उस गेम में सोनिक के अलावा सिर्फ एक शख्स मौजूद है, विलेन। तो क्या ये पॉसिबिलिटीज नहीं है कि उस ट्रैक को उसी विलेन ने बनाया होगा? और गौर करने वाली तीसरी बात यह है, सोनिक एक हेजहॉग है जो उस ट्रैक पर भाग रहा है जो शायद उसी विलेन ने बनाया है। तो ऐसे में सोनिक हीरो हुआ या विलेन का पेट? बताओ अपने विचार कमेंट सेक्शन में। बाकी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद।